हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूज बेकर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुँह में घुल जाने वाले मलाई पेड़े। बाजार से भी ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और झटपट से 10 से 15 मिनट में ये बन जाने वाली रेसिपी है। जब अगर हम घर में ही इतने अच्छे पेड़े बना सकते हैं तो क्यों हम बाहर से खरीद के लेके आए। और रक्षाबंधन आने वाले हैं, जन्माष्टमी आने वाली है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए बनाते हैं। पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सी में 1/2 कप काजू लिया है, 1/4 टीस्पून इलायची दाना लिया है। इसे अब हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा काजू दिखेगा। अब इसमें मैंने 1/2 कप मलाई लिया है। आप चाहें तो मलाई की जगह पे फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अब इसमें 210 ग्राम के करीब मिल्क मेड लिया है मैंने। ये पूरा ही पैकेट हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 200 ग्राम के करीब पनीर डालेंगे अच्छे से मसल के। अब इसी के साथ इसमें 1/3 कप दूध डालेंगे। इसे पीस के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनने के बाद अब इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे इस तरीके से। मिश्रण को कढ़ाई में पलटने के बाद इसमें हम 1/2 कप दूध पाउडर डाल लेंगे और इसे गैस पर चढ़ाने से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। दूध पाउडर को जब हम अच्छे से मिला लेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा मिश्रण है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हम गैस पे चढ़ा लेंगे एकदम लो फ्लेम पे और इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। लगातार इसलिए भी चलाते रहेंगे वरना जो हमारा मिश्रण है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा। और इसके लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई का ही इस्तेमाल करिएगा। आप देख सकते हो कि मिश्रण जो है वो काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। इसे हमें तब तक चलाना है जब तक हमारा जो मिश्रण है वो कढ़ाई न छोड़ने लग जाए। आप देख सकते हो कि अब हमारा मिश्रण जो है वो कितना गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे हम मिश्रण में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसे अभी हमें लगातार चलाना है 1 से 2 मिनट। और अब आप देख सकते हो कि हमारा जो मिश्रण है वो पूरी तरीके से कढ़ाई छोड़ने लग गया है। अब इसे हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होने लगेगा वैसे वैसे ही मिश्रण जो है वो थोड़ा सा कड़ा होने लगेगा। इस तरीके से अब इसे हम ठंडा होने देंगे, बीच बीच में इसे हम पलटते रहेंगे ताकि इसके अंदर से भी जो है गर्माहट वो पूरी तरीके से निकल जाए। अब हम एक बटर पेपर ले लेंगे और उस पे इस मिश्रण को पलट लेंगे क्योंकि अब हमारा जो मिश्रण है वो काफ़ी हद तक ठंडा होने लग गया है। बटर पेपर पे पलटने के बाद मिश्रण को हम अच्छे से इसे मसल लेंगे ताकि ये और नरम हो जाए और जल्दी से ठंडा भी हो जाए। अब हमारा जो मिश्रण है पेड़े का वो तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेट में भी बटर पेपर लगा लिया है। इस तरीके से हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करके प्लेट में रखते जाएंगे। आप अपने हिसाब से पेड़ों का साइज़ बड़ा या छोटा रख सकते हैं। मैंने जो ये साइज़ के पेड़े बनाए हैं इससे मैंने 27 से 28 पेड़े बनाए थे। पेड़ों के बन जाने के बाद अब इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फोंडेंट कटर का इस्तेमाल किया है, फ्लावर शेप वाले का। अब इस कटर को हम पेड़े पे हल्के हाथों से डिज़ाइन बनाते जाएंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे और हल्के हाथों से इसे हम अपना हाथ पीछे करेंगे। देखिए कितना ही प्यारा हमारा फ्लावर का शेप बन गया है। इसी तरीके से सारे पेड़ों पर हम डिज़ाइन बना लेंगे। पेड़ों पे डिज़ाइन बन जाने के बाद अब इस पे हम पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे। आप भी इन पेड़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये एकदम ही मुंह में घुल जाने वाले पेड़े हैं और झटपट से 10 से 15 मिनट में ये पेड़े बनके तैयार भी हो जाते हैं। कोई भी पूजा हो या त्यौहार हो, अगर आप इस तरीके से अपने घर में बनाए हुए पेड़े सबको टेस्ट कराएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे, और ये पेड़े तो बहुत ही ज़्यादा।
आपको ये मलाई पेड़े की रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अपने कमेंट्स। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमोज बेकर्स।